करेंगे हरियाणा में हुए जाट आंदोलन की, जो वैसे तो खत्म हो चुका है, लेकिन इस आंदोलन की आड़ में हरियाणा में जो तबाही मची उसकी दहशत अब भी लोगों में है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में हम आपको रोज दिखा रहे हैं कि किस तरह लूटपाट हुई, आगजनी हुई और हरियाणा सरकार का प्रशासन फेल हो गया। आज आपको ले चलते हैं महम जिले में, जहाँ के कारोबारियों ने पहले तो हुड़दंगियों ने उनको चोट दी और अब मुआवजे और राहत के नाम पर प्रशासन उनके घाव पर नमक छिड़क रहा है। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह जाट आंदोलन के दौरान पूरा सिस्टम फेल हो गया। न सड़कों पर पुलिस थी, न प्रशासन था। इस वक्त हम हैं महम में। 20 तारीख को महम में भी पूरी तरह से उपद्रवी भीड़ का कब्जा था। दुकानें लूटी गई, दुकानों में आग लगाई गई। छोटे छोटे व्यापारी जिनकी छोटी छोटी दुकानें हैं, ये लोग ना तो लोन लेते हैं और ना ही किसी तरह की इन्हें सरकारी मदद तब मिलती है जब ये अपना व्यापार शुरू करते हैं। अपनी जमा पूंजी और अपनी मेहनत इनका एकमात्र भरोसा होता है, जिसके सहारे ये व्यापारी बनते हैं और अपना घर का खर्च चलाते हैं और पैसा कमाते हैं। लेकिन उस दिन सब कुछ खत्म हो गया। मैं एक दुकान में हूँ जो कि उस दिन की CCTV फुटेज दिखा रही है। 20 तारीख की वो पूरी घटना इस कैमरे की नज़र से आपकी आंखों के सामने दौड़ जाएगी। आप शायद ही महसूस कर पाए कितना खौफ उस दिन रहा होगा, कितना डर रहा होगा और किस तरह से पूरी छूट दी गई एक उपद्रवी भीड़ को, हर तरह का हंगामा करने की, हर तरह की लूट करने की। इस कैमरे पे आप देखेंगे मुंह पर कपड़े बांधे हुए, हाथों में हथियार लिए हुए अंदर घुसते हैं, हाथों में हॉकी स्टिक्स इनके हाथों में है, गंडासे इनके हाथों में है, कुछ ने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ है और ये दुकान से लूटपाट शुरू हो चुकी है। इस वक्त जिसके हाथ में जो लगा सामान उसने अपनी जेब में उठाकर रख लिया। अब यहाँ एक कैमरा निकाल दिया, शायद किसी उपद्रवी की नजर पड़ी और उस कैमरे को दुकान से छीन लिया गया, जहां पे वो लगा था उसे तोड़ दिया गया। लगातार भीड़ यहां घुसी हुई है, यहां तोड़फोड़ की जा रही है। एक और कैमरा सामने, एक और कैमरे पे नजर पड़ी, कैमरा तोड़ दिया। यानी उनको पता था कि शायद किसी की हम पे नजर पड़ जाए, हालांकि कोई था नहीं, ना पुलिस थी ना प्रशासन था, लेकिन देख सकते हैं आप दो कैमरे तोड़ दिए गए दुकान के अंदर के, ताकि कोई सबूत ना बचे। एक और कैमरा तोड़ दिया गया, जहां पे भी उन्हें लगा कि कैमरा है उसे फिर से तोड़ दिया गया। लूटपाट अभी भी जारी है। अब आप पूरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये वो चेहरे हैं जो कि खुले आम लूटपाट चल रही है। हर सामान को उठाकर जेब में रखा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है खुले आम। कहीं पुलिस नहीं, कोई प्रशासन नहीं, जबकि सिर्फ 50 मीटर दूरी पर पुलिस थाना है। पूरा वक्त है, आप आइए छांटिए, क्या पसंद है उसे उठा के ले जाइए, जो ना पसंद है उसे आग लगा दीजिए। हुड़दंगियों ने महम के कारोबारियों को ऐसी चोट दी जिसे वो कभी नहीं भूल पाएंगे, लेकिन वो तो भीड़ थी। अब चोट कर रहा है हरियाणा प्रशासन ऐसी चोट कि अपना कारोबार शुरू करने की हिम्मत करने वाले नौजवानों के हौसले टूट रहे हैं। मैं जिस दुकान में बैठा हूँ, ये तिलक राज की दुकान है। 22 साल का नौजवान है जिसने सोचा कि वो अपना व्यवसाय करेगा, दूसरे की नौकरी क्या करनी, अपना धंधा, पैसे जमा किए होंगे। तिलक राज जी, जब दुकान शुरू की तो किसी बैंक से लोन मिली, कोई सरकारी मदद मिली थी? सर, ब्याज पे पैसा उठा के फिर काम शुरू किया था। घर की ऐसी हालत नहीं थी कि मैं पैसा घर से उठा के लगाता, ब्याज। कितना नुकसान हुआ, कुछ बचा पाया या पूरी दुकान खत्म हो गई, लूट ली गई? सर, पूरी दुकान खत्म हो गई, बिल्कुल लूट लिया गया सर, बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा है। जब यहाँ लूटपाट हो रही थी, आपको पता चल रहा था कि आपकी दुकान में लूटपाट है? आप थे आसपास कहीं? सर, मैं बाहर ही खड़ा था, सामने लूटपाट चल रही थी सर, सामने कुछ नहीं कर सकता था। 300-400 बंदे थे, हथियारबंद बंदे थे, बंदूक थी, हथियार थे, फावड़े थे, जेली थी, क्या करता सर मैं उनके सामने, अगर बोलता तो वो मुझे मार देते। वो खाकी रंग के वर्दी वाले कुछ लोग नजर आ रहे थे आसपास के? सर, खाकी रंग के फौज मिलिट्री यहीं पे घूम रही थी, कोई नहीं था पास में, सभी कहते थे कि हमारे पास ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर नहीं है। और पुलिस थाना यहाँ से महज 50 मीटर दूर है सर, कोई नहीं था। आपको राहत देने की बात हो रही है, आपसे पूछताछ की जा रही है? सर, रात के नाम पे जीरो, अब तक कुछ भी नहीं मिला सर मेरा, ना कहते आपका आएगा आएगा, मुझे 20 दिन हो गए चक्कर कटाते हुए, अब तक कुछ भी नहीं मिला सर, कुछ भी नहीं मिला है। SDM आई है, कल आई है, परसों आई थी हमारे पास SDM, बोली कि आपका तो कुछ नुकसान ही नहीं है क्या है? मैंने वीडियो भी दिखाई, फिर भी बोली इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा, आपका तो कुछ नुकसान नहीं है, जो भी अगर आपको मिला भी वो तो आपसे वो भी वापस ले लिया जाएगा। सामने दुकान हमारे कपड़ों की दुकान है एक दोस्त की, बिल्कुल लूट ली, जला दी, कपड़े उठा के ले गए, लेकिन SDM आई, देखा बोली यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। हमने उनसे पूछा था कि मैडम हमारी दुकान तो तबाह होगी, दोबारा से शुरू कर सकते हैं काम को? तब वे बोले हाँ जी शुरू कर लो, लेकिन आज हमने अपने काउंटर वगैरह सेट कर लिए, ठीक करवा लिए, रिपेयरिंग करवा, आज उनको कुछ नहीं दिखाई देता, बोलते सब कुछ ओके है। आज हम यही तकलीफ व्यापारियों की और इस दंगे में परेशान लोगों की, अपना सब कुछ गंवा चुके लोगों की दिखाना चाहते हैं।
प्रशासन कहीं नहीं था जब दुकानें लूट रही थी, प्रशासन कहीं नहीं था जब आग लगाई जा रही थी, प्रशासन 10 दिन तक भी कहीं नहीं था, प्रशासन अब आने लगा है। वो तब आने लगा है जबकि दुकानदार अब अपना काम शुरू करने लगे हैं, किसी ने पैसे दोबारा उधार लेके नया काउंटर बनाया है। अब प्रशासन आके कहता है कि कुछ हुआ ही नहीं था। उन्हीं लोगों से पूछताछ की जा रही है, उन्हीं लोगों को परेशान किया जा रहा है जो कि वाकई में पीड़ित है। कहीं सुरक्षा बल मौजूद ही नहीं था तो कहीं मौजूद रहते हुए भी हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने के लिए कहा गया। जब हुड़दंगी उनकी मेहनत की कमाई लूट रहे थे, दुकानों में आग लगा रहे थे, फौज ऊपर से आदेश का इंतजार करती रही और आदेश देने वाले नहाने में। ये सैनिक कम्युनिकेशन है। महम के बाजार में कम से कम 7 या 8 साल पुरानी दुकान, हर ब्रांड का फोन यहाँ पर दिखेगा। बड़ी खूबसूरती से पूरी दुकान को सजाया गया और बड़ी मेहनत से इस व्यापारी ने अपनी दुकान खड़ी की, अपनी पूंजी लगाई, अपनी मेहनत लगाई, लेकिन उस दिन एक भीड़ अंदर घुसती चली गई, दुकान को जलाने की कोशिश की गई। ये आग के निशान आप अभी भी यहाँ पर देख सकते हैं, पूरी की पूरी दुकान लूट ली गई। मेरे साथ सैनी जी हैं। सैनी जी, वो दिन शायद ही आप लोग कभी भूल पाए। पुलिस प्रशासन कुछ था? जीरो थी जी उस दिन पुलिस प्रशासन, कोई नाम का नहीं था। अब भी नहीं है पुलिस प्रशासन, अब हमारे लिए पुलिस है, हमें दबाने के लिए प्रशासन, लेकिन उन लोगों के लिए अब भी नहीं है। आपने कुछ फोन किया, किसी से बात की उसने? 100 नंबर किया था जी, FIR इसमें चौकी में ही फोन किया, कोई उठाने वाला नहीं था। उठाने वाला था एक आदमी, बोला कि मेरी चौकी खुद जला दी गई है, मैं कहाँ जाऊँ, हमारे पास में कोई ऑर्डर नहीं है ऊपर से, हम किसके। ये फौजी भाई आए थे, उनसे पूछा गया, वो बोले कि हमारे पास में SDM ने कोई ऑर्डर नहीं दे रखा, SDM ऑर्डर देगी यहाँ पे, SDM का ऑर्डर नहीं देने लग रही, यहाँ पे आई ही नहीं SDM, घर पे थी उस टाइम पे SDM, और नहाने में व्यस्त थी वो। कौन थी, क्या नाम था उनका? याद है आपको? वीना हुड्डा थी। वीना हुड्डा उस टाइम SDM थी, उन्होंने कोई आदेश नहीं, कोई आदेश नहीं दिया फौजी को, किसी को भी आदेश नहीं, पुलिस वाले के पास में कोई आदेश नहीं था, प्रशासन नाकाम था उस दिन। उनके पास में सारे यहाँ पे पुलिस चौकी वाले भी हथियार उनके पास में थे, जो पुलिस चौकी के अंदर होते हैं उनके भी हथियार उनके पास में थे, जो पुलिस वाले खुद उन्होंने उनको सौंपे हैं कि ले जाओ आप। सर, अब जब मदद की जरूरत है, अब आपको लग रहा है कि कुछ मदद मिल रही है या पूछताछ किस तरह से हो रही है? अब लाइन ऑर्डर जिस तरह पाकिस्तान के अंदर है, शायद सीरिया के अंदर है, वैसा यहाँ पे हमारे ऊपर बनाने की कोशिश की जा रही है कि हमने ही लूट करवाई है वो, और हम ही लूटने लग रहे हैं अपनी दुकानों को, ऐसा महसूस करवा रहे हैं प्रशासन हमारे को। किसी की उम्र 22 साल तो किसी की 25 साल। बड़ी उम्मीद के साथ इन्होंने अपना कारोबार जमाया था, लेकिन आंदोलन की आड़ में उनका जमा जमाया कारोबार एक ही दिन में बर्बाद हो गया। ये दुकान है 25 साल के एक लड़के रोहित की। रोहित जिसने पैसा उधार लिया, रोहित जो चाहता तो कहीं जाके नौकरी कर सकता था, लेकिन उसने सोचा शहर में रहूंगा, अपने शहर में कुछ करूंगा। लेकिन 20 तारीख की कोई भी दोस्त नहीं रहा। 20 तारीख को एक भीड़ आई और सब कुछ खत्म करके चली गई। उस भीड़ ने यहाँ सिर्फ लूटपाट ही नहीं की, यहाँ पर के इस दुकान के खूबसूरत शीशे के शोकेस को ही नहीं तोड़ा, बल्कि एक नौजवान की उम्मीदों और सपनों को भी तोड़ा, उसके भरोसे को भी तोड़ा कि जब इस तरह की भीड़ होती है, और वाकई में इस दुकान पे जब वो अपना सामान बेचता रहा होगा तो शायद वो टैक्स भी देता है, रोहित टैक्स भी देता है सरकार को, ताकि उसकी संपत्ति सही रहे, पुलिस और प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। मेरे साथ रोहित है, 25 साल का रोहित, जिसने अपना व्यापार खड़ा करने का सपना देखा था। उस दिन पुलिस थी? कोई नहीं था यार, बिल्कुल पुलिस स्टेशन में भी कोई नहीं था। अब आपको मदद की जरूरत है, मुआवजे की जरूरत है, दोबारा खड़ा होने की जरूरत है, जो अधिकारी आ रहे हैं उनका व्यवहार किस तरह है? अभी तक तो हमें कुछ दिखा नहीं, वो कुछ देंगे, बाकी देखो। उल्टा आपसे पूछताछ हो रही है? हाँ जी बिल्कुल, हमें कहा जा रहा है उनके नाम बताओ, हम तो यहाँ थे ही नहीं, हम कहाँ से नाम बताए। सामान को लेके कहा जा रहा है कि आपका सामान नहीं है, पुराना सामान है, इस तरह के सवाल आप ही से उठाए जा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि हमें क्या पता आपकी दुकान में कितना सामान था, कैसे प्रूव करोगे? यही हम दिखाना चाहते हैं कि पहले तो उपद्रवी भीड़ ने सब कुछ लूट लिया, उस टाइम जिनके पास जिम्मेदारी थी कि भैया बचा के रखो, सामान बचा के रखो, वो ना यहाँ पुलिस थी ना प्रशासन था। कम से कम अब जब मरहम लगाने का वक्त आया है तो वो भी ढंग से नहीं किया जा रहा है, उन्हीं दुकानदारों को दोबारा परेशान किया जा रहा है जिनको इस वक्त मदद की जरूरत है।
और ये सिर्फ एक रोहित की कहानी नहीं है, और भी ऐसे कई व्यापारी यहाँ हैं जो अब यहाँ से दुकान बंद करके जाने की बात करने लगे हैं। ये तो रही बड़े कारोबारियों की बात, सिर्फ बड़ी दुकानें ही नहीं, उपद्रवियों ने छोटे दुकानदारों को भी नहीं बख्शा। ये मैम का बाजार है और ये राजेंद्र सैनी जी हैं, 25-26 साल से इनके यहाँ मिठाई की दुकान है, बाप दादाओं की दुकान है। जब दंगा हुआ तो इनकी दुकान लूट ली गई, सामान लूट लिया गया। अब बात आती है मुआवजे की। अब इनसे कहा जा रहा है कि बिल लाइए दूध के, मुआवजे के लिए क्या कहा जा रहा है? बिल के लिए कह रहे हैं ना भाई, पक्के बिल लाइए। आज ये तो मिठाई और दूध की दुकान है, छोटी सी दुकान है। हाँ जी, बिल कहाँ होते हैं अपने? कच्चे पक्के होते हैं जी, मजदूरी करते हैं, कच्ची मिठाइयाँ बनाते हैं, बिल कहाँ से आएंगे? कितना नुकसान हुआ था? ये तकरीबन 3 लाख रुपए करीब जी। क्या क्या लूट लगे, क्या क्या टूट गया? चारों ताले तोड़ दिए जी, काउंटर कुंटर उठा के ले गए, मिठाइयाँ ले गए, कुछ ठंडे थे, कोल्ड ड्रिंक थी, ड्राई फ्रूट था और काफ़ी सामान था। हम तो दुकान बंद कर रखी थी, घर थे जी, मैसेज आया भी तुम्हारी दुकान लूट चुकी है और यहाँ कुछ नहीं मिला हमारे को। पड़ोसियों ने जो भी था भाई फ़ोन करके बुलाया, उसके बाद में दुकानदार के चार ताले टूटने के बाद में रोजी रोटी होती है, क्या बच जाता है उसके पास? कुछ नहीं बचता, सदमे में वैसे आ जाता है, बार बार सवाल किए जाते हैं, ये हो गया वो हो गया। अब आपके पास आ रहे हैं प्रशासन, मुआवजे की बात कर रहा है लेकिन बिल मांग रहा है। हाँ जी, आप आ रहे हैं, आपने कहा पक्के बिल दो हमारे को, जब आपको मुआवजा मिलेगा। आपको फर्जी कह रहे हैं, वैसे कह रहे हैं भाई, झूठ बोल रहे हैं आप। ये सबसे बड़ी तकलीफ है कि इन लोगों को मदद की अब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये छोटी सी दुकान जो कि अपनी मेहनत से, अपनी पूंजी से शुरू की गई है, मिठाई की दुकान जहाँ शायद 2 रुपए का एक लड्डू भी मिलता है, एक गांव की छोटी सी दुकान है, छोटा सा कस्बा है, उसकी दुकान है। यहाँ पर अगर मैं 5 रुपए लेके आऊँगा तो सैनी साहब मेरे हाथ में 2 लड्डू रख देंगे। अब ये 2 लड्डुओं का बिल कहाँ से लेके आएंगे ये पता नहीं। हरियाणा सरकार की कानून व्यवस्था की गवाही हर दुकानदार दे रहा है, नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन पर थी वो अपनी मजबूरी गिनाते नहीं थक रहे। मैं एक बात, हम 30 आदमी हैं, 30 में ऑफिशियल भी हैं। देखो, इस ऑफिस में बैठने के लिए बैठेगा तो सही, मैं सारों को तो निकाल नहीं सकता, जिसमें 5 लेडीज भी तो उसमें से 20, ये जो हमारे पास 28 उसमें ऑफिशियल भी हैं, जैसे कंप्यूटराइज का है, मुंशी है, मारखाना है, जो इस तरह की अपनी अपनी ड्यूटी है। आदेश भी नहीं, आदेश थे आपके? आदेश फायरिंग के या फिर बल प्रयोग के? इस तरह के बताओ, कोई आदेश हो तो लिख कर मारे, हम कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन हम इस बारे में कुछ नहीं करना चाहते। हमने मौके की नजाकत को देखते हुए पीछे रोक क्या था, अगर हम फायर कर देते यहाँ कर देते, अभी 4 जाट मार दिए, 5 घायल हो चुके हैं पीजीआई में, यहाँ चारों तरफ से लोग खड़े हो जाते हैं, यहाँ दंगा हो सैकड़ों लाशें बेच जाती। वो दिन बीत चुके हैं लेकिन उनकी दहशत अब भी महम के लोगों में है। राजू भाई, आप लोगों ने एक बार फिर दुकान शुरू कर दी है, जिस दिन ये हुआ था अभी सब लोग कह रहे हैं ना पुलिस थी ना प्रशासन था, अब आपको लगता है आप सुरक्षित अब महसूस कर रहे हैं? सुरक्षित तो जी देखो, इबे तो कोनी महसूस हो, अपने भीतर में जो थोड़ा सा डर तो आदमी करो होएगा वो, पर देखो हो जा तो बढ़िया है भाई, सुरक्षित रह जावा तो ठीक ही है। बाकी जो माहौल देखा है ना, ईसा तो हमने कभी अपने बुजुर्गों पर भी नहीं सुना, 47 में सुना नहीं, उससे पहले सुना नहीं, और बहुत बालक आज भी नहीं पूछा पापा दोबारा भी नहीं हो सके, बताओ इस तो ऊपर तो क्या होगा, एक डर उनके मन में ऐसा है। उम्मीद करते हैं कि बच्चों के दिल से डर निकले, जल्द से जल्द निकले कि भाई अब सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक है, दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन क्या वो पुलिस और प्रशासन जो जिम्मेदार था, वो अधिकारी जो जिम्मेदार थे मुँह छुपाने के लिए और जनता की मदद ना करने के लिए, क्या उन्हें सजा मिलेगी? अगर उन्हें सजा मिलती है तब शायद लोगों का भरोसा सरकार पर बन पाए कि अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। कैमरामैन मुकेश के साथ अमन ओमगाई, न्यूज़ 8 इंडिया, महम।